सीना ज्योति ने वो प्यार को दोबारा जिंदा किया है प्रोग्राम करके कि आज पुरानी टीचर को आपने तय दिल से याद किया, सब स्टाफ को पुराने स्टाफ को बुलाया और दिया ज्योति की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये मौका दिया कि सबको एक साथ एक मंच पे आने का। ज्योति को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो इस प्रोग्राम में सबको इन्वाइट किया है। ये सारा माहौल देख के आज मेरा जो मन है मेरा हृदय है बिल्कुल गदगद हो गया, पूरा परिवार आज एक साथ बैठा हुआ है। हम लोग का 2004 में जब घर टूटने लगा था अपने घर का जितना दुख हुआ था उतना ज्योति का दुख हुआ था। हम लोग छोटे छोटे थे जब बच्चे स्कूल नहीं आया करते थे तो टीचर्स जो है बच्चों के साथ उनके घर में जाया करते थे, उनको उठा के ले आया करते थे। सबसे पहला परिवार मेरा नवज्योति है, यहीं से मैं पढ़ाई सीखी और इसी स्कूल में सबसे पहले मैं पहला टीचर रहा। मैंने अपना बचपना नवज्योति से स्टार्ट किया, स्टूडेंट था उसके बाद में टीचर बना नवज्योति में ही। अब मैं मोबाइल का फॉर्म है, मोबाइल का नहीं मैं खुद करता हूँ, बच्चों से सिखाता भी और मेरा बचपन से लेकर जवानी नवज्योति में करता है। मुझे यहाँ से बेस मिला, आधार मिला, मेरी पुरानी यादें यहाँ से जुड़ी है, बहुत अच्छे दोस्त भी मुझे यहीं से मिले और मैं वही नवज्योति हूँ, जो भी दिया है नवज्योति ने मुझे दिया। अच्छा लगता था यहाँ पर, अभी भी मिस करता हूँ। अभी जो भी किया हूँ आप लोग नवज्योति के माध्यम से किया है, ग्रुप में छोड़ कर आए और हमारी सबकी ताकत इतनी तक ली है। एनबीसी नवज्योति को थैंक यू सो मच मेरा करियर बनाने के लिए, आज बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी होती है इस परिवार में आने से, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एनजीओ इतना तेजी से प्रगति पर है, भगवान करे कि इसको आगे से आगे प्रगति करती रहे। साल पहले किरण मैम ने एक छोटा सा बीज बोया था, आज वो एक बहुत ही विशाल वृक्ष बन गया है। उस वृक्ष की छाया पे हम सभी पले बड़े। तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमारी एक रिक्वेस्ट पे आप सबने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े।